हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। फिर वापस स्टॉप करो। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप मुझे मोच ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी है राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से, और इंस्टा पे भी है लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, दशरथ ठाकुर। ओके, और कितने दिन हो गए आज आपको गाड़ी चलाते हैं? यहाँ से लेफ्ट काटना है, दो दिन। सेकंड डे है। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? नगर निगम में। ओके ओके, लेफ्ट टर्न करना है, काटिए धीरे धीरे। सो गाइस, आज ठाकुर साहब का सेकंड डे है, और कितनी एज है आपकी? 49। हल्का राइट रखिए, हाँ। अभी यहाँ पे राइट काटो, राइट आपको इट बनाना है, और काटो राइट, राइट और काटो थोड़ा, हाँ। एक्सीलेटर नहीं, जाने दो, वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, हाँ, और बस इस पेड़ के पीछे से, हाँ, और हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, गुड। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, ना कि एक्सीलेटर पे। एक्सीलेटर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, राइट काटो, हाँ, इससे थोड़ा स्टेयरिंग समझ में आ जाएगा। अब सीधी करो स्टेयरिंग, अब उस पेड़ के पीछे से, पीछे से, हाँ हाँ, थोड़ा जाने दो, जाने दो, जाने दो, इससे स्टेयरिंग का जो कमांड है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कितना स्टेयरिंग पूरा घुमाने पे कितनी गाड़ी मुड़ती है। अभी वापस रोड पे ले लीजिए, जैसे अभी आप रुक रुक कर बढ़ा रहे थे, वही, हाँ वही चीज़ करनी है। सीधी करिए और गड, इस खड्डे को बीच में लेना, दोनों टायरों के बीच में जो बड़ा गड्ढा है ये, हाँ, गड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्का राइट रखो। अब देखो, यहाँ पे आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा था तो एक्सीलेटर बाई मिस्टेक दब गया, जो कि दबना नहीं चाहिए था। ऐसी कंडीशन में आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ना कि एक्सीलेटर पे। स्टीयरिंग सही से पकड़िए, 3 और 9 पे गलत पकड़ ले रहे हैं आप, स्टीयरिंग गलत पकड़ ली फिर, हाँ, जहाँ पे मैंने बताया है वहाँ पे पकड़िए, हाँ। अभी रोकना है पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, पूरा फुल क्लच दबाओ और धीरे से ब्रेक, फिर पूरा पैर उठा के लेके आया आप राइट वाला। पैर पूरा नहीं उठाना, पूरा पैर उठाने का मतलब ये है कि आपका बार बार जो पैर है अलग अलग डायरेक्शन में पड़ रहा है। फिर बढ़ाइए, धीरे से छोड़ो, पहले ब्रेक फिर धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे, हाँ। जब भी कभी गाड़ी आपको रोकनी हो तो क्लच पहले दबाओ, अगर पहले दूसरे गियर में चल रहे हो, अगर तीसरे चौथे गियर में चल रहे हो तो पहले ब्रेक से स्पीड कम करोगे, फिर क्लच दबा के गियर चेंज कर लोगे। जब ऑलरेडी आप 10 की स्पीड में हैं तो आपको फिर पहले क्लच दबाना है, ना कि ब्रेक, नहीं गाड़ी झटके मार के बंद, इंजन बुझ जाएगा। फिर वापस रोकना है पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, फुल क्लच रोकना है, रोकिए पूरा क्लच दबा के ब्रेक, हाँ। फिर देखो राइट वाला पैर पूरा उठाया, वो पूरा नहीं उठना चाहिए। अब देखो गाड़ी यहाँ ढलान है, पीछे जा रही है, जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर गाड़ी पीछे जाने लगे तो पहले ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले हाफ क्लच छोड़ो। हाफ का मतलब जब आप 50% क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती है, फिर ब्रेक से पैर हटाओगे तो गाड़ी पीछे ना जाके आगे जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे आराम से, हाँ। बहुत ज़्यादा रेस नहीं, बहुत ज़्यादा रेस नहीं, आराम आराम से, हाँ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, हाँ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबा के लेफ्ट लाके फटाफट सेकंड गियर जल्दी से। अब आपने ब्रेक दबा दिया, कोई फायदा नहीं, मैं ब्रेक नहीं दबाया सर, दब गया ब्रेक आपका, अच्छा, दबा हुआ है, अब गाड़ी रुक गई, अब सेकंड गियर डालने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड स्टार्ट होती है 20 से और आप आ चुके हैं 0, तो अभी अगर डालेंगे तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, इंजन बुझ जाएगा, है ना। अब क्लच दबा के सेकंड गियर डालो जल्दी से, लेफ्ट लाके पीछे खींचो, गुड, छोड़ो क्लच, हाँ, ऐसे। अब देखो गियर भी आपका डल गया और गाड़ी 20 की स्पीड में भी है, तो जैसे पहले गियर की स्पीड होती 10 से 20, दूसरे की 20 से 30, तीसरे की 30 से 40, चौथे की 40 से 60, पाँचवा 60 के बाद, तो हर गियर की अलग अलग स्पीड होती है। अब जैसे सपोज करो गाड़ी आपको रोकनी है, सबसे पहले आप लेफ्ट का सिग्नल देंगे, ऊपर को सिग्नल दीजिए, हाँ, और लेफ्ट वाले मिरर में देखिए तो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही आपके बगल से, जी जी, लेफ्ट दबाओ थोड़ा सा, एक टायर नीचे उतारो, हाँ, और ब्रेक पे पैर रखो, भगाना नहीं है, आप भगा रहे हैं, भगाना नहीं है, पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक मारो, अब दोनों दबा के रखना। अभी गाड़ी कौन से गियर में है?
सेकंड में। अब बढ़ाने के लिए कौन सा गियर डालना है? फर्स्ट डालिए फर्स्ट, क्योंकि हमेशा कार को हम फर्स्ट गियर से स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड गियर है, फर्स्ट लेफ्ट दबा के लगेगा, फिर थर्ड लगा है, फिर थर्ड लगा है ये। इसको मेरी तरफ लेके आओ ना, ऐसे देखो देखो सिंपल, छोड़ो इसको ऐसे, ये इसको यहाँ पहले इधर दबाओ, अब ऊपर जाओ, अब लगेगा फर्स्ट गियर, ठीक है? और आप जैसे लगा रहे थे उसमें थर्ड गियर बार बार जा रहा था, जाने दो धीरे धीरे। ये गियर की आप ब्रेक दबा रखे थे, क्लच छोड़ दिया, जिसकी वजह से इंजन बुझ गया। अब इसको न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्लच दबा के इंजन ऑन करो, पहले क्लच दबाओ राइट वाला पैर ब्रेक पे। हाँ देखो, फिर ब्रेक दबा दिया आपने, पैर ब्रेक पे ही रखो, पैर ब्रेक पे ही रखो, नहीं है ब्रेक पे। हाँ अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एकदम धीरे धीरे गाड़ी मूव कर रही है, धीरे धीरे खिसक रही है। इसको कहते हैं बिना एक्सीलेटर गाड़ी को बढ़ाना। अभी आपका पैर एक्सीलेटर पे तो है नहीं, नहीं। ब्रेक पे है, तो इसका मतलब ये है कि बगैर एक्सीलेटर के भी कार धीरे धीरे पहले दूसरे गियर में चल सकती है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के माइंड में ये आ ही नहीं पाता, क्योंकि बाइक स्कूटी में क्या होता है, बिना एक्सीलेटर वो नहीं चलती है। अच्छा। उसमें आपको एक्सीलेटर लेना ही पड़ेगा, चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, उसमें हल्का एक्सीलेटर लेना पड़ेगा तभी वो चलती है। फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो चाहे सीएनजी हो, उसमें आप पहले गियर में अगर बिना एक्सीलेटर गाड़ी बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो गाड़ी आपकी बिना एक्सीलेटर चलती है। अभी जैसे आपका पैर एक्सीलेटर पे नहीं है, फिर भी गाड़ी चल रही है ना सर। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि हर जगह हमें एक्सीलेटर की नीड नहीं होती। टर्निंग पॉइंट पे आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर पे आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए, गियर चेंज करने के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, है ना। जो रास्ता थोड़ा ख़राब हो वहाँ पे आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए। अब जैसे फिर स्टॉप करना है, पूरा क्लच दबाओ और धीरे से ब्रेक, थोड़ा सा ये सही आ जाए, ठीक है। बहुत डिफरेंस है, लेवल नहीं मिल रहा। कोई नहीं, गाड़ी टेढ़ी है ना, एक टायर नीचे एक ऊपर है, तो गाड़ी राइट साइड से उठी हुई है सर। सर पूरा क्लच दबाइए फुल, अब धीरे से ब्रेक। हाँ अब देखो, ऑलरेडी आपकी गाड़ी पहले गियर में है, फर्स्ट गियर में है, तो फर्स्ट गियर में जब है तो हमको अब गियर बदलने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेक को रिलीज करना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। सिग्नल बंद कर दीजिए हल्का सा नीचे। हाँ बस गाड़ी बढ़नी शुरू। फर्स्ट गियर में हमको थोड़ा पेशेंस रखना है, अगर हम पेशेंस के साथ करेंगे ना तो बहुत आसानी से गाड़ी हम चला पाएंगे। अब जैसे देखो बिना एक्सीलेटर चल रही है, कोई एक्सीलेटर की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ना तो आपका पैर है। अब गाड़ी ये धीरे धीरे कितनी स्पीड में है, 10 के आसपास है। तो पहले गियर और दूसरे गियर, अगर ये दूसरा गियर होता तो ये 10 से ऊपर चल रही होती, ठीक है। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा रेस करिए, जाने दीजिए, घबराइए नहीं, एकदम कूल माइंड से, डरना नहीं, रेस करो थोड़ा और, 20 की स्पीड में जाओ, फिर क्लच दबा के सेकेंड गियर डालना है राइट कॉल का। हाँ अब पूरा क्लच दबा के जल्दी से सेकंड गियर करो, जल्दी से। हाँ खींचो, वेरी गुड, छोड़ो क्लच छोड़ो, जाओ जाओ जाओ, गुड गुड गुड, वेरी गुड, जाने राइट रखो, राइट काटो राइट। इनका कोई भरोसा नहीं है कब आके गाड़ी ये ठेल दें। सही बात, राइट रखो हल्का, राइट गड्ढे में गई। हाँ मैंने बोला था ना राइट रखो, इसीलिए मैंने बोला था राइट राइट, क्योंकि लेफ्ट वाला टायर आपका खड्ढे में जा रहा था और चला भी गया, नहीं जाना चाहिए था। वो जब आप थोड़ा बिफोर प्लान करेंगे ना, रोड पे 10 मीटर 20 मीटर पहले देखेंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा सा माइंड का गेम है। अब बाइक वाइक हो तो कहीं भी उसको उतार ले जाओ। टाइम 9 बजने वाला है, 9 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। राइट रखो हल्का, हाँ पीछे कार है आपके, हल्का सा लेफ्ट दबा लो, थोड़ा सा लेफ्ट ही रखो अभी। हाँ बस राइट रखो हल्का, ताकि गड्ढे भी बच जाए। अब देखो निकल गया इनोवा वाला, गुड। अब धीरे से आप बढ़ा लो आराम से राइट देख के, थोड़ा सा आज हमको मुक्त करिए। बस आपको ही ड्रॉप कर रहे हैं, अभी सामने एक लेडी खड़ी है वहाँ पे स्टूडेंट, उसको सिखाते हुए आपको लेके चल रहे हैं बस। नहीं वो चक्कर ये है ना, हमारा आज डिपार्टमेंट में पहुँचना है टाइम। हेलो सीधे चले? हाँ सीधा, आप बाहर आइए बस, मैं आ गया हूँ पिकनिक के गेट पे हूँ, आइए। ठीक आ गया, हाँ आ गया, आ गया। बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए थोड़ा सा, रेस करो, जाओ जल्दी से। हाँ रेस करो और जाने दो, गुड जाने दो, हल्का राइट रखो, थोड़ा सा राइट। हाँ बस लेफ्ट आओ, चलो बढ़ाओ थोड़ा सा और, राइट रखो, जाओ 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 जाओ, लेफ्ट आओ, बढ़ाओ बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ।
गुड। स्पीड बढ़ाओ, गुड 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 गुड। जाओ जाओ, रेस करो, रेस रेस, थोड़ा सा स्पीड लो। सो गाइस, आपने देखा ठाकुर साहब 49 के हैं और ये नगर निगम में इंस्पेक्टर हैं और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं। सेकंड डे के हिसाब से स्पीड कम, और आई होप बहुत जल्दी इनको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।